जम्मू व कश्मीर के गांव में अब खुशियां फैल रही हैं। काम के तलाश में कोई हिजरत नहीं हो रही है, इज्जत के साथ लोगों को काम मिल रहा है। गांव में पानी के तहफ्फुज, बागबानी, मवेशी खाना, पूरे लगन, छोटी आबपाशी और पूरे इस्तेकाम से मुताल्लिक बहुत से काम गांव में ही किए जा रहे हैं। लोग माशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार हो रहे हैं। चलें इस स्कीम और इसके फायदे के बारे में तफसील से जानें। क्या है मनरेगा स्कीम? महात्मा गांधी कौमी गांव रोजगार गारंटी एक्ट, आम जुबान में मनरेगा के नाम से जाना जाता है। हुकूमत हिंद की ये स्कीम गांव के लोगों को रोजगार की गारंटी देती है। आज मुल्क के लाखों गरीब और बेरोजगार खानदानों के लिए माश का जरिया साबित हो रही है। मनरेगा स्कीम का मकसद। मनरेगा स्कीम का हदफ देहातियों की जिंदगी को माली और सामाजिक तौर पर बाइख्तियार बनाना है। स्कीम का मकसद है कि हिंदुस्तान में रहने वाले गरीब और कमजोर आमदनी वाले ग्रुप के लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलना। तरक्याती कामों के साथ साथ गांव की खूबसूरती पर भी काम हो, ग्राम पंचायत की सतह पर रोजगार बढ़ाकर शहरों की तरफ होने वाले पलायन पर रोक, गरीब खानदानों की आमदनी बढ़ाना, माशरे के गरीब और कमजोर तबके को मरकजी से जोड़ना। भारत में पंचायती राज अदारों को और भी मजबूत बनाना। मनरेगा जॉब कार्ड क्या है? मनरेगा जॉब कार्ड मुस्तकबिल को फराहम करने वाला अहम दस्तावेज है। इस दस्तावेज में किए गए काम की मुकम्मल तफसीलात होती है। इसके साथ ही इस कार्ड में फायदा उठाने वाले की तफसीलात भी शामिल होती है, जैसे उसका नाम, पता वगैरह। इस कार्ड पर एक जॉब कार्ड नंबर भी दर्ज होता है। इस कार्ड को बनाने की बुनियादी वजह यह है कि फायदा उठाने वाले को हर किस्म की धोखाधड़ी से बचाया जाए। मनरेगा स्कीम के तहत काम। इस स्कीम के तहत कई काम आते हैं, जैसे पानी का तहफ्फुज, खुश्कसाली और सैलाब के रोकथाम के लिए शजरकारी, पानी के तहफ्फुज का काम, जमीन की तरक्की का काम, मुख्तलिफ किस्म के मकानात की तामीर करना, मामूली आबपाशी का काम, बागबानी और ज़राई काम, सड़क की तामीर। मनरेगा स्कीम के लिए अहलियत। इस स्कीम से फायदा उठाने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। दरखास्त करने वाला दरखास्तगार हिंदुस्तान का होना चाहिए। दरखास्तगार के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। मनरेगा जॉब कार्ड के लिए इस तरह करें दरख्वास्त। मनरेगा स्कीम से फायदा उठाने के लिए दरख्वास्तगार को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने पंचायत ऑफिस से हासिल होगा। दरख्वास्त फॉर्म में पूछी गई सभी मालूमात, जैसे नाम, उम्र, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम, जात वगैरह के बारे में सही से भरें। पंचायत दफ्तर तस्दीक के बाद आपको मनरेगा के लिए रजिस्टर करता है और जॉब कार्ड जारी करता है। जॉब कार्ड में रजिस्टर बालिग मेंबर की तफसीलात और तस्वीर शामिल होती हैं। एक रजिस्टर्ड शख्स पंचायत या प्रोग्राम अफसर को तहरीरी तौर पर काम के लिए दरख्वास्त कर सकता है। मनरेगा के तहत मर्दों और औरतों की अजरत में किसी किस्म की कोई इम्तियाज नहीं है, इसलिए मर्द और औरत की इज्जत बराबर है। मनरेगा से फायदा कैसे उठाएं? जॉब कार्ड का रजिस्ट्रेशन होने के बाद
दरख्वास्तगार को 15 दिन के बाद जॉब कार्ड जारी किया जाता है। अब आप मनरेगा के तहत अपनी ग्राम पंचायत में किए जाने वाले काम में ताउन करके माश हासिल कर सकते हैं। इजरत की रकम बराह रास्ता आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी।